गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज मैं वापस आपसे एक वर्ड पूछूंगी और आपको मुझे उसका मीनिंग बताना होगा। तो आज का वर्ड है लेटर, LETER। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है मुझे कौन बताएगा। देखो, कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि लेटर मीन्स पत्र होता है और कुछ बच्चों ने सोचा होगा कि लेटर मीन्स कोई वर्ण होता है, कोई लेटर होता है। तो एक ही वर्ड है लेकिन उसके टू डिफरेंट मीनिंग है। तो ऐसे शब्द जिनका प्रोनंसिएशन सेम होता है लेकिन एक से ज्यादा मीनिंग होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, कोई बता सकता है। तो बच्चों, ऐसे वर्ड्स जिनका सिंगल प्रोनंसिएशन होगा, सिंगल स्पेलिंग होगी लेकिन मीनिंग एक से ज्यादा होंगे, तो ऐसे वर्ड्स को हम होमोनिम कहते हैं। क्या कहते हैं? होमोनिम। कल हमने होमोफोन्स की बात करी थी, आज हम होमोनिम पढ़ेंगे। तो ऐसे और कौन कौन से वर्ड्स हैं ये मैं आपको आज बताऊंगी। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड है पार्क। इस पार्क का क्या मीनिंग होता है? स्पेलिंग है इसकी PARK, पार्क। पार्क मीन्स गार्डन भी होता है, बगीचा भी होता है। और एक पार्क का मतलब क्या होता है? गाड़ी को पार्क करना होता है ना, पार्क योर व्हीकल हेयर, डोंट पार्क योर व्हीकल हेयर। तो पार्क मतलब क्या होता है? अपनी गाड़ी को किसी जगह पे लगाना, पार्क करना। और एक पार्क का मतलब होता है गार्डन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बैट, BAT, बैट। इस बैट का क्या मीनिंग होता है? ये एक तो होता है बैट यानी खेलने वाला बल्ला, और एक बैट जो होता है वो चमगादड़ होता है। यानी कि सिंगल वर्ड है लेकिन इसके दो डिफरेंट मीनिंग है। तो जहां भी हमें कोई ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे जिनके एक से ज्यादा मीनिंग होंगे, उसे हम होमोनिम बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीन, MEAN। तो इसका क्या अर्थ होता है? मीन, एक तो मीन होता है बच्चों मतलबी, ठीक है, MEAN मीन, मीन मतलब होता है मतलबी। और एक हम बोलते हैं आई मीन टू से, यानी मेरा कहने का मतलब है। दोनों मीन अलग हो गए। अर्थ, अर्थ के अर्थ में जब आएगा मीन, मीनिंग के सेंस में जब आएगा, एक तो हो गया मीनिंग का सेंस और एक हो गया मीन मतलब ही वाला। नेक्स्ट हो गया टाई, TIE, टाई। तो टाई के भी दो मीनिंग होते हैं। टाई, टाई मतलब एक तो होता है बांधना और दूसरा होता है टाई जो हम गले में पहनते हैं। नेक्स्ट है हमारा नेल, NAIL, नेल। नेल के भी दो मीनिंग होते हैं। क्या क्या? एक तो सबको पता है नेल, जो हमारा ये नेल्स होते हैं इनको नेल बोलते हैं। और दूसरा नेल मतलब होता है कील। क्या होता है? कील। तो सिंगल वर्ड के दो मीनिंग हो गए। नेक्स्ट होता है बच्चों सिंक, SINK, सिंक। तो एक तो सिंक होते हैं जो सबके घर में किचन में सिंक होती है, उसे सिंक बोलते हैं, सबको पता है। और एक सिंक मतलब होता है डूबना। तो यहाँ पे वर्ब और नाउन में भी डिफरेंस आ सकता है कभी कभी, लेकिन हम अभी सिर्फ होमोनिम की बात कर रहे हैं, यानी कि एक वर्ड की बात कर रहे हैं। हम नहीं देख रहे कि वो नाउन है, वर्ब है, क्या है। हम तो सिर्फ वर्ड देख रहे हैं कि वो क्या है। नेक्स्ट है लेटर, LETER। ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ, लेटर यानी पत्र भी होता है और लेटर यानी एक वर्ण भी होता है। नेक्स्ट है राइट, RIGST। अब राइट, एक राइट का मतलब तो होता है दायां और दूसरे राइट का मतलब होता है सही, जो हम सही के अर्थ में बात करते हैं कि राइट, यू आर राइट। नेक्स्ट है साइन, SIGN, साइन। साइन का क्या मीनिंग होता है? एक साइन का मीनिंग तो होता है सिग्नेचर, जो हम सिग्नेचर करते हैं, हस्ताक्षर करते हैं, उसे साइन बोलते हैं। और दूसरा साइन का मीनिंग क्या होता है? साइन मतलब होता है चिन्ह, दिस इज द साइन बोलते हैं ना, दिस इज द साइन ऑफ दैट, ये उस चीज का चिन्ह है। तो साइन क्या होता है? चिन्ह। नेक्स्ट है फ्लाई, फ्लाई मतलब क्या होता है? उड़ना, सबको पता है। और एक फ्लाई मतलब होता है मक्खी। तो सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि होमोनिम क्या होते हैं। कोई भी एक वर्ड जिसका जिसके एक से ज्यादा मीनिंग होंगे, उन्हें हम होमोनिम बोलते हैं। और अभी हमने होमोफोन्स भी पढ़े थे इससे पहले वाली क्लास में, तो होमोफोन्स और होमोनिम में हमें कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं पैदा करना है। दोनों में क्या डिफरेंस है एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ। होमोफोन्स वो होते हैं जिसमें दो डिफरेंट वर्ड होते हैं, दोनों का प्रोनंसिएशन सेम होता है, डिफरेंट स्पेलिंग एंड डिफरेंट मीनिंग होती है, सिर्फ प्रोनंसिएशन सेम होता है। इसमें एक सिंगल वर्ड होगा, उसका वही प्रोनंसिएशन होगा बट उसके मीनिंग डिफरेंट होंगे। तो ये होमोनिम हो जाएगा, जिसमें दो वर्ड होंगे, डिफरेंट स्पेलिंग, डिफरेंट मीनिंग, वो हमारे होमोफोन्स हो जाएंगे। सो ओके, थैंक यू।